नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। जी हाँ, मैं बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ। ना मेरे पास इतनी कोई हैपनिंग शक्ल थी, ना मेरे पास इतना कोई हैपनिंग एक्टिंग टैलेंट था, मगर मैंने सर्वाइव किया। जी हाँ, अक्षय कुमार ने जब मुझे डंप किया उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गई, मगर मैंने डिप्रेशन की कहानी नहीं बेची। दीपिका पादुकोण की तरह मैंने अपने आप को सुपर फिट बनाया। मैं यूके गई, वहां पर रेसिज्म की कहानी बेची, एंड ऑब्वियसली बिग ब्रदर जीता। वहां पे एक बिजनेसमैन के साथ शादी कर ली, तो बिजनेसमैन हु वाज ऑलरेडी मैरिड, पता नहीं, मगर उसका ब्रेकअप हो रहा था, डिवोर्स हो रहा था, आई डोंट नो, आई एम नॉट अ होम मेकर, बट एनीवेज मैं उसकी दूसरी बीवी बन गई और उसको यूके से इंडिया ले आई। उसने बहुत सारी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट किया, आईपीएल में भी किया, बेटिंग में भी किया, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं किया। एनीवेज जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज होती है उतनी पब्लिसिटी मिलती है, आफ्टर ऑल दैट इज हाउ वी सर्वाइव इन इंडिया। अब गणेश चतुर्थी है, मैं गणपति जी को घर लेके आई, इतने सालों से गणेश चतुर्थी मना रही हूं, मैं एक अच्छी हिंदू हूं, मगर राम जन्मभूमि भूमि पूजा के ऊपर मैं ट्वीट कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान राम तो कम्यूनल है ना बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर अगर कोई हिंदू भगवान है जिसको हम पूजते हैं तो वो गणपति जी है, तो हम गणपति चतुर्थी मनाएंगे इन स्पाइट ऑफ कोरोना वायरस। यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसी तपेली जैसी शक्ल के होने के कारण बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए, मगर मैंने किया ना, सो प्लीज अप्रिशिएट माई टैलेंट। अब तुम लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, टिकटॉक के ऊपर अगर मैं नाचती थी या मेरा हस्बैंड नाचता था हमें पैसे मिलते थे, हम करते थे, क्या हमने देश को बेचा? नहीं। तो हमारे टिकटॉक वाले वीडियोस का मजाक उड़ाना बंद करो। रही बात सुशांत सिंह राजपूत की, उसके ऊपर मैंने एक फोटो तो डाल दी, और क्या बोलूं, इतनी सारी ऐसी टाइप की कंट्रोवर्सीज में मैं नहीं पड़ती, मैं बेटिंग वाली कंट्रोवर्सी में पड़ सकती हूं, मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर वाली कंट्रोवर्सी में पड़ूंगी तो मेरा तो पूरा आने वाला करियर ठप हो जाएगा जो इतनी भी मुश्किल से मैंने बनाया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं गणपति चतुर्थी के बारे में बात करूंगी मगर राम जन्मभूमि के ऊपर बात नहीं करूंगी। आई एम शिल्पा शेट्टी, आपको समझना चाहिए, मैं रेसिज्म की कहानी बेचती हूँ मगर ऑब्वियसली बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म और कास्टिंग काउच की कहानी थोड़ा बेचूंगी, समझो। मैं बॉलीवुड की इनसाइडर हो गई हूँ, आउटसाइडर थी, अब हूँ इनसाइडर।